नमस्कार दोस्तों, आज किस वीडियो में हम जानेंगे कि आप किस तरह से जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जीमेल और ईमेल कोई अलग अलग नहीं होते हैं, जीमेल और ईमेल आईडी दोनों सेम ही होते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे जीमेल अकाउंट को किस तरह से बना सकते हैं। जीमेल अकाउंट दोस्तों आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या है कि जीमेल अकाउंट आजकल सभी जगह यहाँ पर यूज हो रहे हैं, जिसके आपको द्वारा मेल आ रही है आपके मोबाइल पर। अब किसी भी ऑनलाइन प्रक्रिया में आपको ईमेल आईडी मांगता है, जिस पे आपको ईमेल दी जाती है। तो ईमेल आईडी आपके लिए काफ़ी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस वीडियो में आप ईमेल आईडी को किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं ये हम जानेंगे। तो ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए चलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया यहाँ पर बताते हैं। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए आप लास्ट तक देखिएगा और एक एक स्टेप को आप समझते हुए चलिएगा कि किस तरह से आपको जीमेल अकाउंट को क्रिएट करना है। तो चलिए हम जीमेल अकाउंट को क्रिएट करने की प्रक्रिया यहाँ पर देखते हैं। तो दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए हम यहां से जीमेल अकाउंट को बनाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहां पर आपको जो फ्रंट में यहां पर आपको देखने को मिल जाता है हमारे स्क्रीन पर जीमेल अकाउंट के यहाँ पर जीमेल जो गूगल का यहाँ पर ऐप है जीमेल, उसको यहाँ पर क्या है कि आपको देखने को मिल जाता है। इसी को आपको क्या है कि ओपन कर लेना होता है। और जैसे ही आप यहां पर क्या है कि इसको ओपन कर लेना होता है, और ओपन आप जैसे ही करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आपको शो करता है आपके मोबाइल में। तो यहां पर आपको प्रोफाइल वाले जो बटन यहां पर शो करते हैं, इस पर आपको क्लिक कर लेना होता है। और यहां पर जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके मोबाइल में जितने भी ईमेल होते हैं यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर सबसे लास्ट में आपको आ जाना होता है, और सबसे लास्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको शो करता है ऐड अनदर अकाउंट। इसी पर आपको क्लिक करना होता है। ऐड अनदर अकाउंट पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको सेटअप मेल के लिए आपको काफ़ी सारे ऑप्शन शो करते हैं। तो यहाँ से आप क्या है कि गूगल, आउटलुक, याहू, यहाँ पर काफ़ी ऑप्शन शो करते हैं जिसके द्वारा से आप जीमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं। तो हम यहाँ से क्या है कि गूगल से अपने जीमेल अकाउंट को क्रिएट करते हैं, क्योंकि आजकल गूगल का ही यूज अधिक हो रहा है। तो चलिए हम गूगल पर यहाँ पर क्लिक करते हैं। गूगल पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको चेकिंग होता है, और यहाँ पर आपके मोबाइल में अगर फिंगर सेट होता है तो यहाँ पर आपको फिंगर मांगता है। तो फिंगर को हम यहाँ से दे देते हैं, और यहाँ से चेकिंग होता है, और चेकिंग होने के बाद क्या है कि आपको इंटरफेस दिखाई देता है जिससे आप अपने जीमेल को क्रिएट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरह से आप सिंगिंग के लिए गूगल यहाँ पर आपको ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको क्या है कि आप ईमेल और फ़ोन नंबर को डालकर पुराने जो ईमेल आईडी है उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ से हम न्यू ईमेल आईडी को क्रिएट करने के लिए आपको क्या है कि क्रिएट अकाउंट वाले बटन नीचे आपको देखने को मिल जाता है, इसी पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर दो ऑप्शन शो करते हैं, फॉर माई पर्सनल यूज और फॉर माई बिजनेस। दोस्तों आप अपने वर्क के लिए या बिजनेस के लिए यहाँ पर ईमेल आईडी को बनाना चाहते हैं या पर्सनल यूज के लिए, तो यहाँ पर दो ऑप्शन शो करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हम पर्सनल यूज के लिए बना रहे हैं, तो यहाँ पर पर्सनल यूज वाले बटन पर आपको क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से क्रिएट ए गूगल अकाउंट यहाँ पर आपको खुलकर यहाँ पर आता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम को इंटर करना होता है, और यहाँ पर आपको सेकेंड नेम को इंटर करना होता है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को क्या है कि आपको इंटर करना होता है। तो चलिए यहाँ से हम क्या है कि अपने फर्स्ट नेम और सेकेंड नेम को इंटर कर लेते हैं। तो यहाँ से आपको फर्स्ट नेम और जो सेकेंड यहाँ पर आपका फर्स्ट नेम और लास्ट नेम हो जाता है उसको यहाँ पर इंटर कर लेना होता है। फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होता है, और जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो यहाँ पर आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन यानी कि डेट ऑफ बर्थ एंड जेंडर यहाँ पर आपको फिल करने होते हैं। तो यहाँ से क्या है कि हम अपने डेट ऑफ बर्थ और जेंडर को फिल कर लेते हैं। तो चलिए हम यहाँ से अपने डेट ऑफ बर्थ को फिल कर लेते हैं। तो दोस्तों आप जब भी अपने जेंडर और डेट ऑफ बर्थ को फिल करें आप सही से फिल करें, और फिल करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से नेक्स्ट पेज पर ले जाया जाता है, और यहाँ पर आपको ईमेल आपको लिखने होते हैं, यानी कि आपने जो ईमेल यहाँ पर आपको लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आप ईमेल ऐसा लिखें जो अब तक कोई लिया नहीं हो। तो यहाँ पर हम चलिए एक ईमेल को लिख लेते हैं। अगर आप ईमेल लिखते हैं कुछ इस तरह से जो पहले से ही कोई ले चुका है तो आपका यहाँ पर दूसरा ईमेल आपको मांगेगा। तो चलिए यहाँ से हम आपको डेमो के तौर पर यहाँ पर दिखा देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ इस तरह से फिल किया, तो यहाँ पर क्या है कि आप देखेंगे कि यहाँ पर कोई ईमेल अगर ले लिया होगा तो कुछ इस तरह से आपको देखने को मिल जाता होगा कि ट्राई, यहाँ पर देख सकते हैं डैट यूजर नेम इज टेकन ट्राई अनदर। यहाँ पर आपको ये ईमेल जो है वो कोई और ले चुका है। तो यहाँ पर क्या है कि आपको कुछ इस तरह से ईमेल को और फिलअप करना होता है, कुछ यहाँ पर नंबरिंग को लिख देने होते हैं। तो यहाँ से हम चलिए कुछ नंबर को लिख देते हैं। अगर कोई नंबर यहाँ पर ले लिया होगा इस यहाँ से तो आपको ये भी नहीं मिलेगा। तो चलिए कुछ इस तरह से आपको लिखना है जो कि आपको ईमेल कोई अब तक नहीं लिया है।
तो चलिए हम यहाँ से कुछ इस तरह से लिख लिए हैं। तो नेक्स्ट वाले बटन पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कोई ये भी ईमेल को ले चुका है। तो चलिए इसके लिए आपको क्या करना है, तो यहाँ से हम चलिए कुछ नंबर को ऐसे ऐड करते हैं जो अब तक कोई लिया नहीं हो। और यहाँ से करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इस ईमेल को कोई नहीं लिया है। तो यहाँ पर आपको क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग पासवर्ड करके यहाँ पर एप्लीकेशन खुल जाता है। यहाँ पर आपको पासवर्ड इस तरह से सेव करने हैं जो कि कोई यहाँ पर सोच भी ना सके और आपके ईमेल को भी हैंक ना कर सके। तो यहाँ पर आपको पासवर्ड में क्या लिखने हैं कि फर्स्ट के जो वर्ड होते हैं वो कैपिटल यानी कि बड़े अक्षर में लिखने होते हैं और कुछ वर्ड छोटे अक्षर में लिखने होते हैं। यहाँ पर कुछ नंबरिंग लिखने होते हैं और सिंबल का यूज करना होता है जिससे आपका पासवर्ड काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। तो चलिए हम यहाँ से पासवर्ड को अपने इंटर कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अपने पासवर्ड को इंटर कर लिए हैं और पासवर्ड को इंटर करने के बाद आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए कहा जाता है। तो आपको फ़ोन नंबर ऐड करने के लिए आपको क्या है कि यहाँ पर मोर ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही आप यहाँ पर मोर ऑप्शन वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको इंटरफेस खुलकर आता है। यहाँ पर आपको लिखा होता है नो डॉट नॉट ऐड माई नंबर, यहाँ पर आप ऐड करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पर आपको क्या है कि अपने नंबर को ऐड कर लेना होता है क्योंकि आप कभी पासवर्ड भूल जाते हैं या आपका क्या है कि यहाँ पर ईमेल यहाँ पर आप बाद में भी लॉगिन कर लेते हैं, पासवर्ड भूलने के बाद पासवर्ड को भी रिकवर कर लेते हैं। तो यहाँ इसके लिए आपको मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए आपको नीचे में ऐप यहाँ पर ऑप्शन शो करता है ऐड माई नंबर फॉर अकाउंट सेक्रेटरी, यानी कि आप अपने अकाउंट को रिकवर भी कर सकते हैं और सेक्रेटरी के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस थर्ड वाले आपको ऑप्शन पर क्लिक करना होता है नीचे वाले पर, यहाँ पर डन वाले बटन पर क्लिक करना होता है। डन वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर फिल करना होता है और मोबाइल नंबर को फिल करने के बाद यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक OTP प्राप्त होती है। तो चलिए यहाँ से हम अपने मोबाइल नंबर को फिलअप कर लेते हैं। तो दोस्तों मोबाइल नंबर को जैसे ही फिलअप करके यहाँ पर नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपके मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड है वहाँ पर एक OTP प्राप्त होती है और कुछ इस तरह से आपका ईमेल क्या है कि क्रिएट हो जाता है, जो कि आप स्क्रीन पर यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आपको क्रिएट ईमेल और यहाँ पर मोबाइल नंबर देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक करना होता है। नेक्स्ट वाले बटन पर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पर कुछ इस तरह से प्रोविजन टर्म्स लिखकर आपको आता है। तो यहाँ पर आपको शर्तें देखने को मिल जाती हैं जो कि आप पढ़ भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना है कि मोर वाले बटन पर आपको क्लिक करना होता है। मोर वाले बटन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन शो करते हैं जिसमें आप क्या है कि माई बेबैन ऐप एक्टिविटी को बंद कर सकते हैं और यहाँ पर अपने जो फालतू के एड्स होते हैं उसको भी बंद कर सकते हैं इस ईमेल में, और यहाँ पर यूट्यूब के हिस्टोरी को भी बंद कर सकते हैं। और नीचे के बॉक्स में यहाँ पर आपको टिक करने के बाद एग्री वाले बटन पर क्लिक करना होता है। जैसे ही यहाँ पर आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह से आपको नेक्स्ट पेज यहाँ पर ओपन होता है। तो चलिए यहाँ से हमें नेक्स्ट पेज यहाँ पर कुछ इस तरह से यहाँ पर कुछ लोडिंग लेता है, उसके बाद ही यहाँ पर नेक्स्ट पेज ओपन होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं गूगल सर्विस लिखकर हमारा क्या है कि ये ईमेल क्रिएट हो चुका है और यहाँ पर लोडिंग ले रहा है। तो दोस्तों कुछ इस तरह से क्या है कि आप अपने ईमेल अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं और यूट्यूब चैनल को भी इस ईमेल से क्रिएट आप कर सकते हैं और कहीं भी इस ईमेल को अपने जो फॉर्म या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए या कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आपका ईमेल क्या है कि क्रिएट हो जाता है कुछ सेकंडों में, कुछ मिनटों में। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इसी तरह की वीडियो को नोटिफिकेशन को पाने के लिए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।